क्या पृथ्वी पर मौजूद कई खूबसूरत जगहों पर जाने की सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो आज मैं आपको ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर लगेगा कि ये रियल नहीं है, पर ये सच में मौजूद है हमारी पृथ्वी पर। ये इतनी खूबसूरत और यूनिक जगहें हैं कि आपको पहली बार देखने पे लगेगा कि आप एक सपना देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस लिस्ट को। नंबर 5, केव ऑफ द क्रिस्टल। गुफाओं के अंदर क्रिस्टल मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये क्रिस्टल बहुत ही यूनिक है। ये गुफा है मैक्सिको में और यहाँ के क्रिस्टल सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, जिनमें से कुछ क्रिस्टल तो इतने तीखे होते हैं कि ये ब्लेड की तरह पूरी तरह से शार्प होते हैं, कुछ शार्क के दांतों की तरह। इस जगह का तब पता चला जब मैक्सिको में एक गहरी माइन में खुदाई चल रही थी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे लंबा क्रिस्टल था, वो था 11 मीटर लंबा और इसका वजन था तकरीबन 55 टन। ये गुफा बहुत ही गर्म है और यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट ही जा सकते हैं, ना के आम लोग। नंबर 4, वाटनाजोकुल आइस केव। बर्फ का देश आइसलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ पर बहुत सारी बर्फ से बनी हुई गुफाएं भी हैं, जो कि तकरीबन 8,333 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई हैं। सबसे कमाल की बात है कि आइसलैंड के दक्षिण के हिस्से में सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यहाँ पर है आइसलैंड की सबसे बड़ी गुफा, और इस गुफा के ऊपर जो पानी गिरता है उससे क्रैक्स बनते हैं और ये बेहद ही शानदार नजारा होता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे वक्त एकदम से थम चुका हो। नंबर 3, वेटमो केव्स। न्यूजीलैंड में स्थित गुफा बहुत ही कमाल की है, क्योंकि इस गुफा में आपको दिन में ही तारे दिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस केव में कुछ स्पेशल फंक्स मौजूद हैं, जो कि इस गुफा में ऐसे इफेक्ट देते हैं कि आपको लगता है कि आसमान में तारे चमक रहे हैं, और ये नजारा बेहद ही रोमांच से भरा होता है। और दोस्तों, अगर आपको दिन में तारे देखने हैं तो आप इस गुफा में जरूर विजिट कीजिए। नंबर 2, स्पॉटेड लेक। ये बेहद ही खूबसूरत जगह है, लेकिन 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते। स्पॉटेड लेक है कोलंबिया में। ये कोई मैन मेड नहीं है, ये पूरी तरह से एक नेचुरल अट्रैक्शन है। दोस्तों, विंटर और रेनी सीजन में ये लेक बहुत ही आम दिखती है, मगर गर्मियों में इस लेक की खूबसूरती के बारे में तो क्या ही कहने। दोस्तों, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट दिखती है। नंबर 1, रेडवुड नेशनल पार्क। दोस्तों, ये पार्क अपने रेडवुड पेड़ों के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में। ये पेड़ दुनिया के सबसे लंबे और सबसे ज्यादा उम्र वाले पेड़ हैं। रेडवुड पेड़ की लंबाई होती है तकरीबन 150 फुट से भी ऊंची और इनकी उम्र होती है 800 साल। दोस्तों, ये पेड़ देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं और आप इस नजारे को फील कर सकते हो सिर्फ रेडवुड नेशनल पार्क में जाकर। ये पेड़ बहुत ही विशाल नजारा पेश करते हैं, जैसे कि आप एक और ही ग्रह पर हों।